हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। आज और एक हम लीला देखेंगे हमारे आचार्यों के बारे में। आज हम देखेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है वो भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु है। उन्होंने उनसे शिक्षा ली थी भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इनको धाम के प्रति बहुत प्रेम था। तो वो 6 महीने वृंदावन में रहते थे, 6 महीने नवद्वीप मायापुर में रहते थे। ऐसा 6 महीने 6 महीने इधर 6 महीने उधर जाते थे। तो धाम को छोड़ के कहीं पे नहीं जाते थे, क्योंकि उनको धाम के ऊपर बहुत प्रेम था और धाम वासियों के ऊपर बहुत प्रेम था। और वो करीब करीब 145 ईयर्स तक जिए। और उनको उनके जो सर्वेंट थे बिहारी, उनको एक टोपली में बिठा के ऐसा कैरी करते थे सर के ऊपर। तो ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है, ये बाबा जी वेश में रहते थे और उनको धाम के प्रति बहुत प्रेम था। तो एक बार क्या होगा, एक व्यक्ति ने उनको काफ़ी डोनेशन दिया, 200 रुपये उनको डोनेशन दिया उस समय में। 200 रुपये, तो 200 रुपये जब डोनेशन मिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को, तो उन्होंने अपने सर्वेंट बिहारी को दिया वो पैसा और बोले जाके रसगुल्ले खरीद के लाओ। तो बिहारी को लगा, अरे रसगुल्ले, इतने सारे रसगुल्ले किस लिए चाहिए, 200 रुपये के कितने सारे रसगुल्ले आएंगे। तो फिर वो गए बिहारी और ख़रीद के लाए 200 रुपये के रसगुल्ले। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले कि इधर के जो सारे गैया है धाम में, जो नवद्वीप धाम में इतने सारे गैया है, सबको गायों को ये रसगुल्ले खिलाओ, लेकिन खबरदार इधर के जो बाकी के बाबा जी है उनको मत खिलाओ, वो बेशरम है, वो नालायक है इधर के बाबा जी। तो धाम के जो प्राणी है वो असली धामवासी है, जो बाबा जी वो गलत गलत कार्य करते धाम में रह के, वो असली धामवासी नहीं है। तो इसलिए इतने सारे रसगुल्ले सब गायों को खिलाए उन्होंने। और बाद में कभी वो जब प्रसाद ग्रहण करते थे बाबा जी महाराज, तो जब वो प्लेट उनका आता था प्रसाद का, जब उनके सर्वेंट लाते थे सामने, तो जब वो खाने को बैठते थे, उनके कुटीर के बाजू में ही एक कुत्ता रहता था और उसको कुछ छोटे छोटे बच्चे हुए थे। तो वो बच्चे भी आते थे और बाबा जी महाराज के प्लेट से खाते थे। तो बाबा जी महाराज ऐसे उनके साथ खा रहे सेम प्लेट में, तो बिहारी ने देखा तो वो गया और वो कुत्तों को भगा दिया। तो बाबा जी महाराज नाराज हो गए कि ऐसा क्यों किया, मैं खाऊंगा जब वो कुत्ते आके मेरे प्लेट से खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। तो काफ़ी दिन तक वो कुत्ते आए ही नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे कुत्ते। तो बाबा जी महाराज ने उपवास किया, उन्होंने खाया ही नहीं। फिर वो बिहारी जाके वो कुत्तों को उसने ढूंढ के निकाला, फिर वो आए और बाबा जी महाराज के प्लेट से उन्होंने खाया, तब बाबा जी महाराज ने खाया। तो सोचिए, इतना धाम के प्रति और धाम वासियों के प्रति, धाम में जो प्राणी रहते हैं उनके प्रति भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को इतना प्रेम था। तो जो धाम में जो प्राणी होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं। वो पिछले जन्म में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि बड़े बड़े योगी थे, उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया था, इतना बड़े उनका बहुत 95-96% इतना हुआ रहेगा उनका भक्तिमय कार्य, और थोड़ा सा बचा था इसीलिए उन्होंने अभी धाम में उन्होंने प्राणी का जन्म लिया है। तो जो धाम में प्राणी होते हैं वो स्पेशल होते हैं, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, ये हम इस लीला से सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।